बीते दिनों अपनी आत्मशक्ति और ईमानदारी का परिचय देने वाले घनश्याम हेमलानी का सम्मान किया गया। पार्षद रवि दिवाकर के कार्यालय पर आयोजित हुए सम्मान समारोह के दौरान घनश्याम हेमलानी को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान समाज और क्षेत्र से आए लोगों ने उनको पुष्प माला पहनाकर उनके इस कार्य की सराहना की। केदारनगर के निवासी घनश्याम हेमलानी, जो कि खुद एक किराए के मकान में रहते हैं और पिछले 4 महीने से घर पर ही हैं, क्योंकि उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इलाज करा रहे हैं। घनश्याम हेमलानी केदारनगर में किसी काम से घर आए थे तो उनको एक पर्स मिला जिसमें सोने की एक चैन, 2 चूड़ी, 2 कंगन जो कि लगभग 4,50,000 रुपये के हैं और 2160 रुपये थे, जो कि घनश्याम हेमलानी ने मोना को वापस कर दिया। 4 दिन पहले एक मुझे पर्स मिला था जिसको मैंने वापस किया है, जिसकी इस मामले की बहुत सराहना हो रही है और सबको इंसानियत में रहना चाहिए, इंसानियत अपनी कायम रखनी चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। तो उसी कड़ी में आज वार्ड 40 आजमपाड़ा से पार्षद हमारे भाई रवि दिवाकर जी ने मुझे यहाँ बुलाया, बोले कि यहाँ श्यामा मुखर्जी का आज जन्म जयंती है, आप आइए। तो मैं यहाँ आया तो उनका हमने जन्म जयंती पे उनको नमन किया और उसके बाद उन्होंने मेरा उसी मामले को लेके सम्मान और स्वागत किया। 40 से पार्षद हूँ, घनश्याम भाई की जितनी सराहना किया जाए, जो 4-5 महीने से परेशान होने के बावजूद भी इंसानियत पेश की है, मैं ऐसे इंसान का तय दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और ऐसे ही लोगों को अपने विचार अच्छे रखने चाहिए और मैं इनका तय दिल से मान सम्मान भी करता हूँ। और मुखर्जी का भी आज हमने जन्मदिन मनाया है और इस लब्ध में ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे और जो भी है उनका मान सम्मान होता रहेगा। पार्षद रवि दिवाकर के कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सभी को इस तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद रवि दिवाकर, विनोद दिवाकर, भूरा उस्मानी, दीपक वर्मा, गौरव दिवाकर, ऋषभ दिलीप, शहजाद कुरैशी, लाला कटारा, गौरा चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। मुन न्यूज़ के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।